जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की क्या तैयारियां हैं उसे लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जल्द ही जम्मू कश्मीर के दौरे पर जो है वो आने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पहले कश्मीर और फिर जम्मू का दौरा करेंगे कि क्या कुछ इलेक्शंस को लेकर जो है वो खास तैयारियां हुई हैं। आपने देखा कि लोकसभा चुनावों से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जम्मू और कश्मीर में आया। जम्मू में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जब वो आखिर में आए और उन्होंने बताया कि जम्मू में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन तब उन्होंने ये कहा था कि लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा के चुनाव जो है वो नहीं करवाए जा सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो के हिसाब से हमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट करनी है और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट हम नहीं कर सकते, इसलिए लोकसभा चुनाव अलग होंगे और विधानसभा चुनाव जो है वो अलग होंगे। लेकिन अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है जब अगले महीने सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन है 30 सितंबर 2024 से पहले पहले जम्मू कश्मीर में जो है वो विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो दौरा कर रहा है। और आपको ये भी बता दें जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर खास तैयारियां क्या हैं, किस तरह से तमाम डीसीज, किस तरह से तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, कितनी सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट करनी और किस तरह से चुनाव रहेंगे, उनको लेकर जो है इलेक्शन कमीशन एक खास बैठक करेगा जिसमें पहले वो कश्मीर जाएंगे और उसके बाद जम्मू आएंगे और जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पूरे तौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ साथ जो है ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से इलेक्शंस होंगे और क्या क्या काम जो है वो होंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में कहा तो जा रहा है कि चुनाव होंगे, लेकिन इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक और स्टेटमेंट जारी किया था उसमें अगर मैं महाराष्ट्र, झारखंड या हरियाणा की बात करूं उसके लिए एक डेडलाइन थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए अभी कोई डेडलाइन नहीं है। जहां तक हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की यहां पर जो है वो बात कही जा रही है और सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन है 30 सितंबर 2024 से पहले पहले यहां पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो दौरा कर रहा है। फिलहाल के लिए अगर मैं कुल मिलाकर बात कहूं तो ये बहुत बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर के लोगों ने इंतजार किया, लेकिन अगले हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यानी अगले ही हफ्ते यहां पर आ रहा है और इसी में मैं अगर बात करूं तो ये जो हफ्ता शुरू होगा इसी के आखिर के दिनों में जो है वो यहां आएंगे और देखेंगे तैयारियां जो है वो किस तरह से। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार और एसएस संधू भी होंगे। आपने देखा कि इससे पहले जब लोकसभा की तैयारियां हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन की जो है वो दो पोस्टें खाली थी जिन्हें लोकसभा चुनावों से पहले भरा गया था, लेकिन अब फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर जिस तरह से आपने देखा कि कोड ऑफ कंडक्ट का जो है वो बताया जाएगा कि कब लगेगा, लेकिन पहले ये जो मीटिंग है ये कश्मीर में होगी, कश्मीर में तमाम लोगों से मिला जाएगा, कश्मीर में तमाम इलेक्ट्रल ऑफिसर से मिला जाएगा, सेंट्रल फोर्सेज के कोऑर्डिनेटर से मिला जाएगा और उसके बाद जो है 10 तारीख या 11 तारीख को जो है वो जम्मू का दौरा हो सकता है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया जा सकता है कि आने वाले समय में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के लिए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लोगों को बताने के लिए इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो तमाम सरकारी कामकाज है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान नहीं होते। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जो है वो इलेक्शंस की तैयारियां रहती हैं कि कितने फेसेस में होंगे, कि कौन कौन कहां पर ड्यूटी देने वाला है और किस तरह से ये सारी तैयारियां रहती है। जो आप कहें कि एक जो ऑफिशियली काम होते हैं इस तरह से वो काम नहीं होते, लेकिन आप लोगों के लिए समझने वाली बड़ी खबर है जो लोग अभी तक कह रहे हैं कि शायद चुनाव नहीं होंगे, तो मैं आपको बता दूं चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 9, 10 या 11 तारीख को दौरा करेगा। पहला दौरा कश्मीर में होगा, आखिर का जो है जम्मू में होगा और जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग दी जाएगी कि आने वाले समय में सिनेरियो कैसा रहेगा, क्या कुछ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होगी और हाँ चुनाव जरूर होंगे ये एश्योरेंस जो है वो दिलाया जा रहा है और काफी देर से चुनावों को लेकर खबरें भी आ रही है। इसलिए आप लोग अपना जो जिस तरह से वोटर कार्ड है उसकी एक बार दोबारा से देख ले, आपका नाम ठीक है और आपका बना है या नहीं, इसलिए अपने आपको एनरोल करा ले और वोट जो है वो जरूर दे। जाने से पहले जम्बुलेटर न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।